घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है, कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी, अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है, एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया, पर ऐसा क्यों? ओह, नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है, हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या, पहले ही रसोई में इतनी बड़ी गलती, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है, वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती। और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है, तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या, खून और ये कीड़े, माँ, माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम्ही मुझे लाई ना अपने पेट में। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से, 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला, सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ।
ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था। एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई, सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस जिस का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। दो हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ, तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया, तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपने करने की माफी